आपकी जो हंसी है ना वो बता रही है पचास हजार सात हजार का सात गुना आपको मिलता होगा ये मतलब की हेलो दोस्तों मैं हूँ सुमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज इस वीडियो में गाइस मैं आप लोग भी लेके आया हूँ भारत बेंच का एक और शानदार ट्रक और इसके बारे में टोटल जानकारी जो कि हम लेंगे इसके उस्ताद से जो कि अभी अंदर बैठे हुए हैं बाकी भाई भारत बेंच की गाड़ी ओवरऑल आप सभी को पता होगा लग्जरी के मामले में जानी जाती है और भारत बेंच यार मतलब इंडिया में काफी यूनिक यूनिक से ट्रक जो है वो लेके आता है यूके की गाड़ी है गाइस और आ, आ, बाहर से पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ उसके बाद हम चलते हैं अंदर तो यहाँ पे गाइस एज यूजुअल भारत बेंच का लोगो और बड़ा बड़ा सा भारत व्यन्ज जिसमें आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा कोई भी जो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पीछे का जो डाला है ना एक्चुअली वही बाहर से बनवाया गया है जो सामने सामने का केबिन है वो वाइस कस्टम जो कंपनी मेड है वही आया हुआ है उसके बावजूद इसमें अंदर अंदर की तरफ से कुछ कस्टमाइजेशन दिख रही है सारी जानकारी हम वो डिटेल में लेंगे बाकी आप देख लो कितनी बढ़िया से इसमें शानदार सीढ़ियाँ आती हैं ये हैं इसकी कुछ हेडलाइट्स वगैरह और ओवरऑल uh, गाइस सामने से काफ़ी शानदार एकदम मॉडर्न ट्रक वाला जो लुक है वो इसमें निकल के आता है साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टायर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं तो दो और दो चार दो छः और छः और चार दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टायर जो है गाइज इसमें आपको टोटल देखने को मिलते हैं यहाँ पर रहा गए इसका फ्यूल टैंक और फ्यूल टैंक के जस्ट आगे है इसका ए डब्लू या फिर डी ई एफ जिसे बोले उसका टैंक यहाँ पे आप देख सकते हो एमेरॉन की दो दो बैटरीज यहाँ से एयर इनटेक करने के लिए है इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है काफी लंबी चौड़ी गई जो ये गाड़ी है बट इसकी खासियत यही है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी कितनी प्यारी और एकदम क्यूटनेस जो है ना नाइज इसमें बरकरार है काफी बढ़िया सुंदर जो गाड़ी है वो मुझे यहाँ से लग रही है और यहाँ पर मैं आपको गाड़ी का मॉडल नंबर और दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर टू टू एट बी एस सिक्स ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है साइड से दोनों तरफ ही ऊपर के केबिन पर चढ़ने के लिए सीढ़िया जो हैं वो भी इसमें कस्टमाइज करा गई है फेंडर्स पे इंडिकेटर वगैरह सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिलती है जो बम्पर है ये चढ़ कर के कांच वगैरह साफ़ करने के लिए स्पेशली अलग से बनवाया गया तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के उस्ताद से सबसे पहले तो मैं गाइस गाड़ी के अंदर चढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं अगर चेक करूँ काफ़ी बढ़िया है और ट्रकों की तरह टायर वगैरह पर पैर रख के इसमें चढ़ना नहीं पड़ता काफ़ी आराम से जो इसमें चढ़ जाते हैं और ये हैं भैया लोग आप लोग का एक एक बार इंट्रोडक्शन दे दो आपका क्या नाम भैया मेरा नाम विनोद कहाँ से हैं आप उत्तराखंड उत्तराखंड से भोपाल आए हुए हैं अभी और आप दिनेश ड्राइवर है आप तीनों अच्छा तो ये आप फोन पे बात कर रहे हैं गाड़ी आपकी खुद की है पर्सनल या आप ड्राइवर है उनली? आप ड्राइवर है तीनों लोग चलते हैं क्या गाड़ी पे साथ में अच्छा दूसरी गाड़ी है उनकी अच्छा अच्छा तो आ, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कब से जो है आप ड्राइवरी लाइन में है वो दो हजार सात से सात से काफी लंबा चौड़ा समय जो है इसका है इनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे उससे पहले मैं आपको कैबिन दिखा देता हूँ गाड़ी का ओवरऑल तो ये जो कैबिन है भैया इसका पूरा एकदम वस्ती लाइटिंग वाइटिंग जो लगी हुई है ये बाहर से अलग से करवाई है कि भारत में इन से ही आया था अच्छा जैसा कि बाहर से अगर कोई देखेगा कैबिन तो पूरा पूरा ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कंपनी से आया था वैसे ही है बट इसमें अलग से गाइस कुछ कुछ कस्टमाइजेशन है जैसे छत आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर भी आपने देखा होगा ऊपर बढ़िया से एकदम अमेरिकन ट्रक्स वगैरह बने हुए हैं एज यूजल ये जो भारत बेंच का डैशबोर्ड है गाइज ये एकदम सेम ही है जैसा कंपनी से आता था इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर नहीं है इसमें आपको यहाँ पे ब्लोवर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं ये रहा उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आ, सिंपल ही है और ज़्यादा कोई उसमें नहीं है बट एक चीज़ आपको इसके केबिन में देखने को मिलेगी जगह काफ़ी ज़्यादा है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक बढ़िया सा कमरा है कोई यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तीन चार लोग आराम से इस गाड़ी में सो सकते हैं क्लोस्टोबिक वगैरह इसमें फिलिंग होता है पीछे की तरफ भी दो दो विंडोज जो है वो इसमें दी गई है ओवरऑल ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ कंपनी का है अच्छा ये आपका अपना अलग से आप बताएं सर थोड़ा सा गाड़ी के बारे में गाड़ी कैसी है गाड़ी सही है गाड़ी सही है इसको कितने दिन हो गए आपको चलाते हुए कौन सा मॉडल है ये मॉडल है दो हजार तेईस है 2023 मतलब अभी लिए एक दो तो महीने पहले हाँ मतलब दिसंबर में भी है। दिसंबर में तो 2022 हजार बाईस ही हो गई है ना ऑलमोस्ट पर 2023 हजार तेईस आप कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा फर्क उसमें है नहीं पासिंग तेईस की है अच्छा अच्छा आ, कितनी आ, कितना फिट जो है इसके डाले की लंबाई है कुछ बता सकते हैं तीस फुट है और इसमें पासिंग कितना दे रही है गाड़ी में तीस टन फिलहाल क्या लेके आए हुए आप अभी नारियल लेके आए हैं कहाँ से कर्नाटक से मैसूर, मैसूर से प्रॉपर रहने वाले आप यूके के हैं उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश वही ना अच्छा वही दो चीजें फेमस है यूके में क्योंकि ज्यादातर गाड़ी घाट वगैरह में कैसी है माइलेज वगैरह कितना दे रही है बताया थोड़ा सा और फोर प्लस है और घाट सेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत

सामने वाले को लग्जरी से तो मतलब है नहीं भाड़ा तो उतना ही देना है तो मतलब खास क्या है इसमें कुछ बस ये जनाने में थोड़ा नहीं लगती कम्फर्टेबल जा रहा है जिसको खुद की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है वो इस पे जा सकता है अगर थोड़ी ज्यादा पैसे हैं बाकी भाड़ा तो ऑलमोस्ट सभी को सही मिल रहा है है ना आ, कित, कितना कितना टन अभी माल लादा है आपने इसमें इस में तो टन पच्चीस टन आ, अभी हमारे एम पी वगैरह में आने में बॉर्डर वगैरह पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई दिया, पैसे की से की पे लगते है, कुछ है वो के पैसे लगते आपसे पूछना चाह रहा हूँ अभी थोड़ी थोड़ी मुद्दे पे आ रहा हैं तो क्यूँकी ऐसा मैंने कुछ ट्रक वालों से बात किया है वो कहते हैं कुछ ज्यादा ही पैसे हैं ऐसा है क्या लेते हैं इसका भैया डीजल टैंक कितने लीटर का होगा

और मैं आपको इसका गाइस थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा देता पक्ट सत्ताईस हजार छः सौ इकतीस किलोमीटर ये देख सकते हैं जिसका तो जैसा आपको स्टूडेंट क्लस्टर मिलता है सत्ताईस हजार किलोमीटर ये चलिए ये कंपनी सर्विस वगैरह कितने किलोमीटर बोल पर बोलती है इसको करने को पचास हजार पचास हजार तो अभी तक तो एक भी सर्विस नहीं होगी कोई काम वगैरह निकाला गाड़ी ने कोई काम नहीं बस शोरूम से निकली और चल रही है अब जैसे भारत में चला दी अब इसको चलाने के बाद एकदम से टाटा वगैरह गाड़ी में बैठे कैसा लगता है मतलब मन करता है चलाने का कैसा मतलब अजीब पावर में कमी आती है कि क्या कंफर्ट कम लगता है वो बताए कैसा एक्सपीरियंस रहता है चलाने में बहुत अच्छी है कान वगैरह नहीं लगती है अच्छा उनमें लगती, लगती है लगती है अच्छा इसका पार्ट्स वगैरह कहीं पर अगर जैसे खड़ी हो गई गाड़ी कुछ कुछ मतलब अचानक से किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो मिल जाता है रास्ते में अभी सर अभी तो देखो अभी तो कोई ऐसा नहीं पार्ट्स की जरूरत पड़ी अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई तक मुझे लगता है कि टाटा वगैरह का जो अशोक लीलैंड इनका जो पार्ट्स है अच्छे से मिल जाता है और भारत में इनमें लोग कम्प्लेन करते हैं कि पार्ट्स थोड़े कम मिलते हैं रोड वगैरह पे तो वही मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कम कम वगैरह मिलते हैं तो गाड़ी भी कमी है ना अच्छा लगते भी कमी है ना अच्छा ये भी है आ, ये भी है बट इमरजेंसी को कौन जान रहा है भाई ये भी है ना वही है इसके पार्ट्स वगैरह अच्छा लाइट्स वगैरह कैसी रात के टाइम पे इसकी लाइट सही है कोई एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह जरूरत पड़ती है लगता है कि यार थोड़ा और एक दो लाइट होती तो मजा आता वैसे दो लाइट हमने लगा रखी है दो लाइट लगवा रखी है उसके अलावा स्टॉक लाइट कैसी थी लाइट तो सही है सही है ये देख लीजिए गाइस ये तो सामने अशोक जलैंड ले की गाड़ी खड़ी कितने चक्का होगी ये भैया? चौदह चक्का वो आपकी आप दोनों चलते हो इस गाड़ी पे दोनों ही उस्तादों मेरे हिसाब से इस ड्राइवर आपको सैलरी कितनी मिल जाती है आप तो आपकी जो हंसी है ना वो बता रही है सात हजार का सात गुना आपको मिलता होगा नहीं है पच्चीस हजार रूपए आराम से तीस हजार रूपया महीने का पच्चीस सही बता रहे हो आप बहुत सही बता रहे हो आप बिल्कुल क्योंकि थोड़ा आदमी क्या है अपनी इनकम बताने में हिचकिचाता है नहीं नहीं हम तो और बढ़ा के बताते हैं जी हम तो के बताते कितना आपकी गाड़ी कितना छोड़ रही है हमारी गाड़ी छोड़ती दी दो लाख रूपये महीने का चलिए तो मतलब आप समझ लो एक से डेढ़ लाख रूपये महीने तो छोड़ ही रही होगी एटलीस्ट है ना

वैसे गाड़ी पे तो बहुत लिखा हुआ है कितना है, देख तो देख तक, एक सौ पच्चीस तक जाती है इतनी है गाड़ी कि ये स्पीड लिमिटर लगा हुआ है इसमें कुछ तो नहीं होता है वो तो कंडीशन के ऊपर बात होती है जब बच्चा पैदा होता है उसकी जन्मपत्र पंडित बताता है एक सौ दस साल जिएगा साठ साल में स्पीड पचासी नब्बे अब चला लेते हो और इतने स्पीड में माइलेज ड्रॉप होता होगा सही माइलेज पचास साठ पे देती है पचपन साठ अच्छा भैया क्यों ये एक जो इसकी बाल्टी कितने लीटर की आती है यूरिया की बीस लीटर की और बीस लीटर की बाल्टी में कितने किलोमीटर चलती है ये भाई बीस ये भारत बहन बीस लीटर में अभी तक इसने सफर किया है इंदौर दो है यहाँ से भोपाल से भोपाल भोपाल हजार की अठारह सौ अठारह सौ से दो हजार एक लीटर उसमें एक बाल्टी में अच्छा और एक यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ अभी जो है पता चली है कि अगर भारत बेंच की गाड़ी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गैज इसमें भारत बेंच का ही जो डी ए फ्लू एड ब्लू जो है वो आपको डालना पड़ेगा आप दूसरी किसी कंपनी का रोड पे से उठा के अगर डाल लोगे और कल को गायज अगर गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तो आपको भाई जो कंपनी है वो वारंटी वो क्लेम नहीं करेगी क्योंकि आपने कंपनी से उतना यूरिया नहीं लिया है जितना ये इस गाड़ी को चाहिए रहता है मतलब बाहर से आप यूरिया नहीं डालते अदरवाइज आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी क्यों सही बोल रहा हो ना भैया तो भाई ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ये चीज टाटा और अशोक लेलैंड में भी है क्या हर कंपनी में अरे वो तो ऐसा है देखो हाँ डॉक्टर ने बोला है मूंग की दाल ही खानी है वही खानी पड़ेगी ना अभी तुम दूसरी सब्जी खाते हो तबीयत खराब हो होगी तो डॉक्टर जवाबदार नहीं है उस चीज का हाँ ये भी है। <laughs> तो भाई ये इस चीज का ध्यान रखें आप थोड़ा सा और महंगा भी आता हो क्यों भाई भारत बेंच का एड़ू? कितने की आती है बाल्टी चौदह चौदह सौ का किसी का पचास रुपये ऊपर है किसी का पचास रूपये बस इतना ही है बाकी सबका बराबर है ऐसा नहीं है कि गाड़ी भारत तो बेंच का शोरूम वगैरह तो हर कहीं मिलता नहीं तो आपको तो एक्स्ट्रा में लेके चलनी पड़ती होंगी तीन चार बाल्टिया बाल्टियों की नैन लगी है अच्छा चलो 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 भैया काफ़ी सारी जानकारियां जो है आपने गाड़ी के बारे में बता दी ओवरऑल उम्मीद है गाई आप लोग को जो वीडियो पसंद आया होगा जो भैया हमारे उन्होंने जो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ट्रक के बारे में ओवरऑल बताइए वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बाय बाय